देखा है हड्डियों का पहाड़, रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान। जी हाँ, रामायण से जुड़ा है इसका इतिहास। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। ऋषियों की तपोभूमि और भगवान राम का वनवास स्थल चित्रकूट अपने आप में ही अद्भुत और अनोखा है। यहाँ सतयुग, त्रेता और द्वापर युग से सजीव साक्ष्य आज भी देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक अस्थि समूह पर्वत भी है, जिसे अस्थियों का पहाड़ कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा सिद्धा पहाड़ के नाम से इसे जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो यह पर्वत ऋषि महात्माओं के अस्थियों से बना है, जिसका वर्णन रामायण के अरण्यकांड में मिलता है। अरण्यकांड के अनुसार भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास काल के समय जब सरभंगा आश्रम में आगे बढ़े तो उन्हें हड्डियों का पहाड़ दिखा, जिसे देखकर वह क्रोधित हो उठे। साधुओं से पूछा कि यह क्या है। तब साधुओं ने बताया कि यहाँ एक विराध नाम का राक्षस है, जो ऋषि मुनियों को मार कर खा जाता है और बची हुई हड्डियों को फेंक देता है, जिससे यह हड्डियों का पहाड़ निर्मित हो गया है। मुनियों की बात सुनकर भगवान श्री राम क्रोधित हो गए और यह प्रण किया कि निशिचर हीन करव महिभुज उठाओ प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। अर्थात श्री राम ने प्रण लिया कि मैं इस पृथ्वी को राक्षस यानी निशिचर विहीन कर दूंगा। उन्होंने विराध नाम के राक्षस का वध कर दिया। स्थानीय लोगों द्वारा अस्थि समूह पर्वत को संरक्षित करने और इसके धार्मिक महत्व को जान जानने के लिए जहां तक पहुंच सके समय समय पर इसके विकास की मांग करते वे लोग रहते हैं। इसी कारण जब अस्थि समूह पर्वत की चोटी पर भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा करते हुए 5 फीट की प्रतिमा भी उनके द्वारा विराजित की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप भी अस्थि पर्वत के बारे में पहले से जानते थे तो कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। धन्यवाद।